आपको वीडियो में बोला था ना कि हम वो बनाएंगे इसके पत्तल और पुड़के टाइप के गाइस, वो बना रहे हैं पापा, देखो आप गाइस उसके लिए थाली बनेगी ना। आज भी गांव में लोग इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ गाइस, ये गाइस बिक भी रहा है, ये सबसे शुद्ध माना जाता है। देखो पापा ने अच्छे से स्टिच कर दिए दोनों। गाइस ये बन चुका है हमारा पत्ता। पहले हम इसी में खाते थे चावल, सिंगल में की जो आपने बनाया इस पे। अगर हम चावल खाते हैं तो इस पे ऐसे साइड से पिन मार देते हैं, फिर ये ऐसे हो जाता है। वैसे होता क्या था कि हम चावल लेते थे, उसको गोल करते थे, बीच में दाल डालते थे। गाइस ये पत्ता बन चुका है, देखो देख सकते हैं आप। इसमें एक पत्ता ये है, दो हाफ पत्ते हैं और एक ये उल्टा पत्ता है। कटोरी बना, इतनी आफत नहीं आती होगी कि इसको बनाने में। मेरा इधर पत्ते नहीं है गाइस, पापा इसी के दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पत्ते नहीं है अभी। गाइस हम कटोरी बना रहे हैं अभी, दो पत्तों की मदद से। अब इसको कुछ इस तरीके से मोड़ते हैं। वैसे बोल गया मैं, बहुत साल हो गए, फिर भी देखते हैं। पहले गांव में शादियां होती थी ऐसे ही करते थे, बैठते थे रात को, पत्ते कटोर ये थालियां बनाते थे, इनको हम पाले बोलते थे, पाले ठीक है, और इनको बोलते थे पुड़की। और इसमें खाना गाइस इतना टेस्टी होता है ना, क्या बताएं आपको, बहुत टेस्टी होता है। देखो गाइस ये बन चुकी है कटोरी, इसमें हम दाल लेते थे, सब्जी लेते थे। कटोरी थाली मैंने पहले दिखा दी थी, ये हो गया। ऐसे मैंने एक और पहले भी बनाई, ये होती थी कटोरी, ये शुद्ध माना जाते थे जो कि गढ़वाल का शुद्ध भोजन होता है, इसी में खाया जाता था, अशुद्ध नहीं। गढ़वाल की परंपरा यही थी कि मालू के पत्तों में खाया जाता था, शुद्ध माना था। ये हो गई थाली कटोरी। तो गाइस आपको गाइस ये हमने बना दिए हैं डोने और थाली, जिनको बोलते हैं पाला और कटोरी। खाते थे हम दाल सब्जी चावल रोटी दाल मीठा भात, सब इसी में खाते थे। तो गाइस आपको कैसा लगा जरूर लिखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।